नमस्कार, मैं हूं अलका शर्मा और आप देख रहे हैं जनहित ऐशी। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर अभी घिरदर जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं पूछना चाहती हूं कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए और कब से जुड़े हुए हैं? मैं इस प्रोफेशन के अंदर 2001 के अंदर आया, जनवरी के अंदर, और देट वॉज माई मदर जिनके कारण मैं आया। शी इज़ माई इंस्पिरेशन, बिकॉज उन्होंने स्टार्ट किया था ये प्रोफेशन 1991 के अंदर। तो मुझे ज़िंदगी में था कुछ, बिकॉज माई फादर एक मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर थे, तो मुझे था कि अपना नाम, खुद का पहचान बनानी है। तो मम्मा ने बोला, बेटा या तो फिर तुम डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन जाइए, तो यहाँ अगर तुम ये चाहते हो तो तुम मेरे प्रोफेशन में आ जाओ, तो पीपल विल वेट फॉर यू। सो आई गेस आई चोज दिस प्रोफेशन, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हैपनिंग भी है। आप कोई क्लैरिकल जॉब में नहीं है, आप लोगों के मुस्कुराहट देते हैं, तो आई गेस आई एम इन वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। सर, तो इस मुकाम पर जहाँ पर आप पहुँचे हो, इसके लिए आपने कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग ली? आई गेस सबसे ज़्यादा तो भगवान का आशीर्वाद होता है, बट जो अपनी आप हार्डवर्क के अंदर वो चीज़ें रहते हैं। ट्रेनिंग्स की बात करूँ तो इनिशियली मैंने स्टार्ट किया हमारे एक दिल्ली के अंदर, बड़ी रिनाउंड एकेडमी है, वहाँ से स्टार्ट होके 2004 के अंदर मेरा इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स का सफ़र स्टार्ट हुआ। जो मेरी पहली ट्रेनिंग थी वो नीदरलैंड्स यूरोप के अंदर हुई थी। उसके बाद में आई वेंट थ्राइस टू लंदन, उसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज़, क्रोएशिया के अंदर 3 बार हो गया, फिर साउथ ईस्ट जो हमारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, मकाओ। सो सिलसिला इसी तरीके से जारी है, और आई गेस मेरे ये टैगलाइन है कि लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड्स, तो ए पर्सन इज़ ऑलवेज ए लर्नर। तो आज की डेट के अंदर मेरी मोर देन 20 इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हैं। तो सर, इस दौरान आपको कुछ स्ट्रगल्स भी फेस करने पड़े? ऑफ कोर्स, मुझे लगता है हर काम के अंदर स्ट्रगल होता है, बट जब आप एक मुकाम हासिल कर लेते हो तो वो स्ट्रगल नहीं रहते हैं। इनिशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, लाइक आई एम बेस्ड इन पंजाब, तो जहाँ पे हमारी हेयर ड्रेसिंग आज से 20 साल पहले इतना ज़्यादा नहीं था। आई बिलोंग्स टू ए बिजनेस फैमिली, आई एम नॉट ए स्टाइलिस्ट, या मेरी फैमिली हिस्ट्री नहीं थी इस प्रोफेशन के अंदर। रिलेटिव्स का ये भी सामना करना पड़ा कि तुम किस प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हो, बट जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हो तो आई गेस सब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह की जो छोटी चीज़ें हैं, मतलब हर किसी के अंदर हार्डवर्क करना पड़ता है, कुछ छोटी मोटी ऐसी आपदाओं से आप पार निकल जाते हो। सर, तो अभी तक किन किन सेलिब्रिटीज़ को आप तैयार कर चुके हो? सी आई गेस बहुत ज़्यादा लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से पर्दे पे बोलते हैं, बट मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक डॉक्टर और एक सलोन का बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि हम सेलिब्रिटीज़ की प्रिवेसी को भी हम लोग अहमियत देते हैं। सो आई हैव लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, सेलिब्रिटीज़। इसके अलावा अगर मैं ये चीज़ जोड़ूँ कि यस, हम लोग ने मिस PTC पंजाब इवेंट हुआ था, वो सारे फिनाले मेकअप्स हमारे से थे। सतिंदर सती इज़ ए डियर फ्रेंड एंड फैमिली फ्रेंड ऑफ आर्स, वो बहुत देर से मेरी क्लाइंट हैं। नूरा सिस्टर्स हैं, दिव्या दत्ता के साथ हम लोग काम कर चुके हैं, उपासना सिंह के साथ कर चुके हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे जो रीजनल स्टार्स हैं। सो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन मैनी मॉडलिंग शोज़, और जहाँ पे हमारे वो जैसे ज्यूरीज को मेकअप करते हैं, वो चीज़ें हैं। सो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के साथ भगवान ने मौका दिया, एंड हम खुश हैं इस चीज़ के लिए कि सभी ने हमारा काम सराहा। तो सर, अभी जो ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है यूथ में, वो कौन सा चल रहा है? सीधे कि हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है, मैं ये कहता हूँ कि ये नाम का देश है, असल में तो ये एक कॉन्टिनेंट है, कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है, शायद यूरोप हमारे मुकाबले 1/3 पॉपुलेशन के अंदर है। तो हमारे डिफरेंट रीजन्स के अंदर अलग अलग फैशन ट्रेंड्स चलते रहते हैं, बट यस, आज के डेट का युग जो है वो इंटरनेट का आ गया। इंटरनेट के ज़रिए अगर आज कल शाम को कुछ लॉन्च लंदन में हुआ, या पेरिस में, या मिलान में हुआ, तो अगले दिन हमारे पास पहुँच जाता है। बात करें हमारे यूथ की, आई गेस बॉलीवुड बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है हमारा वो चीज़ों को फॉलो करने के लिए। मेल्स के अंदर हमारे जो आगे ट्रेंड्स आ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द फेट्स, जो जहाँ पे हम लोग साइड शॉट करके ऊपर बहुत अच्छा मैसी क्रिएट करके रखते हैं। पॉम्पाडोर्स अगेन क्लासिक लुक्स के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। जहाँ तक हम बात करें फीमेल्स के अंदर, मैं पंजाब बेस्ड हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे बाल हैं, हमें बहुत कम बाल मिलते हैं जहाँ पे हमें मौका मिले छोटे बाल काटने का। बट यही अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया की, तो ईस्टर्न जो हमारी जगहें हैं वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा छोटे बाल पसंद करते हैं। साउथ के अंदर अगेन बहुत लंबे बाल हैं। सो जैसा मैंने आपको बोला कि भारत के अंदर डिफरेंट है, बट फीमेल्स के लिए येस, एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट लेयर्स, वॉश एंड गो हेयर कट। हमारे हिंदुस्तानी चाहे जितना मर्जी फ्री हो, पर वो बहुत ज़्यादा समय अपना बालों को संवारने में नहीं लगाते हैं, तो उनको कुछ ऐसा चाहिए होता है कि बस वो वॉश करें और अपने आप में एक स्टाइल हो जाए। सो लेयर्स इज़ अ गुड ऑप्शन।
तो सर लोग काफ़ी हैं जो चाहते हैं कि आपकी तरह एक सक्सेसफुल पर्सन बने इस प्रोफेशन में, उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? सी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत। आप जब अपने काम के अंदर ऑनेस्टी लगते हो, आप अपने काम के प्रति पैशनेट हो, तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। सो बहुत ये बड़ी चीज़ रहती है। आज के हमारे जो यंगस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि लैक ऑफ पंचुअलिटी बहुत है, राइट? चीज़ें समय पे ना करना है, बट मैं उन लोगों को ये बात बोलूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स हर किसी के पास है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन व्हाट्सएप और दिस सोशल मीडिया, फेसबुक, और उस पर बहुत ज़्यादा एजुकेशनल चीज़ें भी मिलती हैं। आप अपनी लाइफ को क्या करियर देना चाहते हैं, अगर आप हेयर ड्रेसिंग के अंदर आना चाहते हैं, यू शुड वॉच सम वीडियोज विच रियली इंस्पायर एंड मोटिवेट्स यू। तो एंड ऑफ द डे इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा डेडिकेट करते हो अपने काम के प्रति। और अगर आप अपने आप को पूरा पैशनेट और डेडिकेट करते हो अपने काम के अंदर, यस, सक्सेस विल बी योर्स। थैंक यू सर।